नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मदन राज, यानी पीटी मदन राज। आज मैं आपके साथ अपनी अनुभूति को शेयर करना चाहता हूं, इसलिए मैंने ये अनुभूति एपिसोड एक सीरीज स्टार्ट किया है कि मेरे जीवन में मैंने क्या खाया, क्या पिया और कैसे मैं बड़ा हुआ और कैसे अध्ययन किया, क्या पढ़ा और जीवन की लंबी जो कहानी में मैंने क्या सीखा। क्योंकि मैंने भी कुछ सीखा, आपने भी कुछ सीखा, ऐसा नहीं है कि मैंने ही बहुत कुछ सीखा, आप लोगों ने कुछ नहीं सीखा, ऐसा नहीं है। आपने क्या सीखा और मैंने क्या सीखा, आपने क्या सीखा वो कमेंट बॉक्स में रखिएगा और मैंने क्या सीखा मैं आपको वीडियो के मार्फत देने जा रहा हूँ। क्योंकि देखो, जीवन एक पाठशाला है। यहाँ पर मानव क्यों जन्म होता है, वैसे तो बहुत साधु संत, बहुत बड़े विद्वान लोग कहते हैं कि मानव भगवान के लिए पैदा हुआ है, कोई कहते हैं मुक्ति मोक्ष के लिए पैदा हुआ है, कोई कुछ कहते हैं, लेकिन मानव जो ये आत्मा ने जब मानव शरीर धारण किया कि यहाँ पर कुछ सीखने के लिए किया, ये अन्य योनियों में सीखा ही नहीं होगा। क्योंकि अन्य प्राणी केवल भोगने के लिए और किसी को भोगाने के लिए होते हैं, लेकिन मानव जो है वो खुद भोगने के बाद सीखने के लिए और सिखाने के लिए मानव योनि है। तो देखिए, मानव हर तरह से जीता है, कोई मूर्ख भी यहाँ है, कोई ज्ञानी भी है, बहुत सारे, बहुत किस्म के, मंदमती है, कुमती है, महामती है, कई लोग बड़े बड़े विद्वान बन गए, कई लोग तो नालियों में पड़ गए, मर गए, खत्म हो गए। लेकिन मानव जीता है जीवन तो अपनी समझ के अनुसार, किसने क्या समझा, क्या देखा, क्या सीखा और उसी के आशय पर, उसी पर जीता है। अब किसने ये जो समझ है, समझ कहाँ से आता है? समझ आता है उसके विचार से, जो सोचता है, जिसकी ज्ञान और अनुभूति को वो धारण करता है, जो अनुभूति करता है और उससे उसका समझ बनता है और समझ से जीवन जीता है। और विचार कहाँ से पैदा होता है, ये बड़ी गंभीर बात है। लोग कहते हैं विचार मस्तिष्क से पैदा होता है, और कई विद्वान लोग कहते हैं कि विचार मस्तिष्क से पैदा होता है, मस्तिष्क जो है विचार का केंद्र है, ऐसा कहते हैं। लेकिन वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं और जो अच्छे विद्वान है जिसने इसका समष्टिगत स्वरूप निकाला कि जो विचार है, विचार ये दिमाग से नहीं, दिमाग तो विचार को कैच करता है, जैसे एक चुंबक होता है, यानी कि मैग्नीशियम पावर, वो विचार को खींचता है और छोड़ देता है। दिमाग का काम इतना ही है और शरीर को उसी विचार के अनुसार चलायमान करता है, सब शरीर के अंगों को निर्देशित करता है। लेकिन विचार आता है समाज से, कौन किस समाज से पैदा हुआ और कौन किसने क्या अध्ययन किया, कैसे किताब पढ़ी। अब कम्युनिज्म की किताबें पढ़ता है वो एकदम नास्तिक सा बन जाता है, कम्युनिज्म हो जाता है, नहीं। अब कोई धार्मिक किताब पढ़ता है तो धार्मिक बन जाता है, धार्मिक में भी अलग अलग तरह की किताब होते हैं, कोई कर्मकांडा। अब किसी को भगवान की भक्ति सीखता है, कोई खुद को भगवान मानता है, कोई ऐसे भी होते हैं कि हमारे अंदर जो है, जो आत्मा है वो भगवान का स्वरूप है, यानी ईश्वर का स्वरूप है, ये शरीर जीव है। अलग अलग तरह के, जिसने जैसी किताब पढ़ी और वही सोचता है। और तीसरा है इस दुनिया, इस संसार में, यहाँ पर ये वृक्ष, पौधे, लता, लहरें, जल, पृथ्वी, आकाश, यहाँ के पशु पंक्षियाँ, कीट पतंग, इनसे कुछ देख करके सीखता है। और दुनिया में जैसे मानव समुदाय, संप्रदाय, पंथ, धार्मिक,
कोई देखो मंगोलियन है, कोई मुस्लिम है, कोई ईसाई है, कोई बौद्धिस्ट है, कोई हिंदू है, देखो कोई काला जाति है, कोई गोरे लोग है, अब कोई अभी भी जंगल में जी रहे हैं, अब कोई जो है सिटी में जी रहे हैं। इस दुनिया को देख करके दुनिया क्या करता है, क्या आविष्कार होता है, इसको देख करके कोई सीखते हैं। और चौथा चीज है संस्कार, जो अपने वंश से, अपने लोक धर्म से, अपने समाज में कैसा संस्कार है, क्या रीति रिवाज है, क्या सिस्टम है, उस सिस्टम, इन चारों चीजों से विचार पैदा होता है। यानी विचार तो दिमाग से नहीं, बाहर से पैदा होता है। इन चारों चीज, संस्कार, दुनिया और ऐसे किताब, जो समाज है, समाज के लोग हैं, उनसे विचार पैदा होता है और विचार से उसकी समझ पैदा होती है और समझ के अनुसार वो जीता है। इसलिए अनुभूति श्रेष्ठ है। मैंने क्या अनुभूति लिया और आपने क्या अनुभूति पाया और इसमें आपका और मेरा अनुभूति में क्या श्रेष्ठ है, ये मंथन करना और एक दूसरे की बात जानना और सुनना, एक दूसरे से सीखना जरूरी होता है। इसलिए अनुभूति सीरीज को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि संसार में आकर के मैंने क्या अनुभूति ले लिया, क्या पाया इस संसार से, इसको मैं बताऊंगा धीरे धीरे एपिसोड के अंदर। आज के लिए इतना ही। कल मैं स्टार्टिंग अनुभूति से, मेरा जीवन का अनुभूति, पहला ज्ञान मैंने कहाँ से लिया, दूसरा वीडियो आपके पास रखूंगा। हार्दिक अभिनंदन, सप्रेम, जय श्री कृष्ण।